गई हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। एक बार इनको सबको रिपेयर करने के बाद इन सब चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं जिस दिन वर्क ऑर्डर होगा, वर्क ऑर्डर हमें उम्मीद है कि 20 मार्च के आसपास वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 1 अप्रैल से काम चालू हो जाएगा। उसके 6 महीने के अंदर हमें उम्मीद है ये सारा रिपेयर का काम हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 10 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि फिर जब भी कुछ टूटेगा वो तुरंत रिपेयर किया जाएगा। उसके लिए फिर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कोई वो देने की जरूरत, अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि फिर कोई भी ब्रिज पे कुछ टूटा, फुटपाथ पे कुछ एक पत्थर टूटा, कहीं कुछ टूटेगा तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा ताकि हमारी सड़कें हमेशा चमकती और सुंदर नजर आएं। 10 साल के लिए हम इसका रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उसी तरह से सड़कें, सड़कें अगर कहीं गड्ढा होगा उस गड्ढे को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा, कहीं सड़क पे कोई क्रैक आएगा उस क्रैक को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा। इन 10 साल के अंदर हर सड़क को 2 बार रिसर्फेसिंग की जाएगी। 5-5 साल के अंदर सड़क को रिपेयर करना होता है तो 2 बार इसकी रिसर्फेसिंग की जाएगी। और हम देखते हैं कि जितनी पेंटिंग है वो इतनी गंदी हो चुकी होती है, जो सेंटर की लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, फुटपाथ की जो पेंट है, तो हर 3-3 महीने के अंदर हमने कुछ किस्म की, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग को हम 6-6 महीने में कर देंगे लेकिन बीच वाली को 3-3 महीने में, कुछ पेंटिंग 3-3 महीने में की जाएगी और कुछ पेंटिंग 6-6 महीने में की जाएगी ताकि साफ सुथरी सड़कें नज़र आएं। इसके बाद डेली हम लोग अपने फुटपाथ को, सड़कों को या तो डेली या हफ्ते में 3 बार वॉश किया जाएगा और मैकेनिकल स्वीपर, स्वीपर से खूब सारी मशीनें हम लोग हायर कर रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी और सारी सड़कों को वॉश किया जाएगा और सड़कों के जितने दोनों तरफ पेड़ और पौधे हैं उन सारे पेड़ पौधों को धोया जाएगा, उनकी भी, उनको भी धोया जाएगा। तो सड़कों को हफ्ते में 3 बार वॉश किया जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी, और फुटपाथ को डेली वॉश किया जाएगा, मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। डीप स्क्रबिंग की मशीनें लेके आ रहे हैं ताकि जितना उसमें जमा हुआ कचरा है सड़कों के ऊपर उसको भी हम खींच सके, तो डीप स्क्रबिंग की जाएगी। लिटर उठाने के लिए जो कूड़ा सड़कों पे फैला रहता है उसको पिकअप करने के लिए भी मशीनें लाई जा रही हैं, उन मशीनों से सारा मलबा साफ किया जाएगा और सारा लिटर साफ किया जाएगा। जितनी रेलिंग्स हैं सड़कों के दोनों तरफ उन सारी रेलिंग्स को साफ किया जाएगा, उनको धोया जाएगा पानी से। मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए हम 100 से ज़्यादा मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स हायर करने जा रहे हैं। 100 मैकेनाइज्ड रोड स्वीपर्स हायर करने से हमारा अनुमान ये है कि हर दूसरे या हर तीसरे दिन सड़क को साफ किया जा सकता है। 150 से ज़्यादा टैंकर्स और स्प्रिंकलर्स हायर किए जा रहे हैं। तो जो PWD की सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर सड़कें, इन सड़कों के ऊपर इन 150 स्प्रिंकलर से डेली सड़कें धोई जाएंगी और सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनको धोया जाएगा। 250 के करीब एंटी स्मॉग गन्स कम स्प्रिंकलर्स को हायर किया जा रहा है। हमारी दिल्ली में 250 वार्ड हैं, 250 मशीनें हायर की जा रही हैं, तो एक वार्ड में एक मशीन दे दी जाएगी। ये उन वार्ड्स के अंदर, जैसे मैंने कहा 150 मशीनें ऊपर हायर कर रहे हैं वो PWD की सड़कें, जो नॉन PWD की सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं उनके लिए हम 250 मशीनें हायर कर रहे हैं, वो उन छोटी मशीन सड़कों को धोएंगे और उनके दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनको, उनको भी धोएंगे। ये भी 10 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं, 10 साल के लिए कंपनीज को धोने के लिए, फुटपाथ और सड़कें धोने के लिए, साफ करने के लिए, मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है लगभग 10,000 किलोलीटर पानी डेली इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली की सारी सड़कें और फुटपाथ धोने के लिए। जो जल बोर्ड का जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलता है, अभी हम उसको यमुना में बहा देते हैं, वो इसके धोने के, सड़कों को धोने के काम आ जाएगा। डेली बेसिस पे सड़कों के दोनों तरफ हम देखते हैं कि पोस्टर, बैनर उलट सुलट गंदी पड़ी हुई है दिल्ली, इसको डेली हटाया जाएगा।
जहाँ भी कोई भी पोस्टर बैनर रहेगा उसको डेली बेसिस पे उसको हटाया जाएगा। तीसरा, पेड़ पौधे खूब बड़े स्तर पे लगा रहे हैं, जो सेंट्रल वर्ज है इन सारे सेंट्रल वर्ज पे और सड़क के दोनों ओर जितनी खाली जमीन है उसके ऊपर बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्लांट्स लगाए जाएंगे, और इसके लिए भी 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। प्लांट्स लगाएंगे, उनको मेंटेन करेंगे, उनकी ट्रिमिंग करेंगे डेली, उनकी वॉशिंग करेंगे, उनको पानी देने का काम, उनको खाद देने का काम और अच्छी मिट्टी वहाँ पे डालने का काम, ताकि ये फलें फूलें। इसके लिए भी 10 साल का अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अगले 10 दिन के अंदर कैबिनेट से ये प्रपोजल, सारे के सारे प्रपोजल पास हो जाएंगे और 1 अप्रैल से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा काम दिल्ली में शुरू हो जाएगा। ये काम तब चलेगा जब इसकी मॉनिटरिंग सख्त होगी। अगर अभी तो हम बड़े 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 प्लान तो बना सकते हैं, तो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का इसमें वो डाला गया कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करेगी, जिसके ऊपर पास व्हीकल्स होंगे, व्हीकल्स पे कैमरा होंगे, वो लगातार पूरा दिन दिल्ली में कई सारी ऐसी व्हीकल्स चलती रहेंगी और वो कैमरा से वो कैप्चर करती रहेंगी कि कहाँ कितना काम हो रहा है, कितना काम नहीं हो रहा है। और पेमेंट जो है, हैवी पेनल्टीज डाली गई हैं एग्रीमेंट के अंदर कि अगर कहीं किसी भी तरह की कमी नज़र आई तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हैवी पेनल्टीज डाली जाएंगी। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर होगा, ताकि रिमोटली सारी इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सके। बहुत सख्त सर्विस लेवल वो बनाए गए हैं पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी। कंप्लेन सिस्टम में एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेन सिस्टम होगा, कोई भी नागरिक भी कंप्लेन कर सकता है अगर किसी भी तरह की कहीं गंदगी नज़र आती है, मिट्टी नज़र आती है, कहीं किसी भी तरह की गड्ढा नज़र आता है, तो वो भी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसमें खर्चा कितना आएगा? पहले साल में, चूंकि पहले साल के अंदर कई सारी मशीनें हायर वगैरह वो सब उन सब मिला के, हमें उम्मीद है लगभग 4,500 करोड़ रुपए पहले साल में लगेंगे। और उसके बाद रिकरिंग खर्चा जो होगा साल दर साल, वो 2,000 करोड़ रुपए के करीब उम्मीद है कि खर्चा लगेगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अब बसें भी हमने काफ़ी खरीद ली हैं, मेट्रो भी अच्छी चल रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर मुद्दा बना हुआ है। किसी भी नागरिक के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और उसकी सेफ्टी लास्ट माइल पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम ई स्कूटर्स लेके आ रहे हैं और इसको हम द्वारका के एरिया में एक पायलट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। द्वारका के क्षेत्र में लगभग 10 मेट्रो स्टेशन हैं, कई सारे बस स्टॉप्स हैं। द्वारका में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 ई स्कूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लोग एक साथ अपनी टिकट खरीद सकते हैं, इंटीग्रेटेड टिकट होगी, उससे आप उस टिकट से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ई स्कूटर भी हायर कर सकते हैं और मेट्रो पे में भी सफ़र कर सकते हैं। तो आपने टिकट खरीदी, उस टिकट से आप 250 लोकेशन से कहीं से भी आप एक स्कूटर पिकअप कर लीजिए। सेल्फ ड्राइविंग है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको ड्राइवर ड्राइव करना है। कहीं से भी आप स्कूटर पिकअप कर लीजिए किसी लोकेशन से, वहीं पे हेलमेट होगा, हेलमेट पहन के और आप अपने दूसरे किसी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसको थोड़ी देर यूज़ कर सकते हैं और इन 250 में से किसी भी लोकेशन के ऊपर उस स्कूटर को आप वापस छोड़ सकते हैं। ये सारे ई स्कूटर्स होंगे और इन स्कूटर्स पे स्वैपेबल बैटरी होगी और एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक आप वो कर पाएंगे, ट्रैवल कर पाएंगे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी इनकी। जिस दिन ये एग्रीमेंट उस कंपनी से, ऑब्वियसली जो भी कंपनी होगी वो टेंडर बेसिस पे दी जाएगी, जिस दिन एग्रीमेंट होगा उसके 4 महीने के अंदर पहले 100 लोकेशन पे 500 स्कूटर आ जाएंगे, अगले 4 महीने में अगले 100 लोकेशन पे और 500 स्कूटर आ जाएंगे और अगले 4 महीने या 12 महीने में 250 लोकेशंस के ऊपर 1,500 स्कूटर मुहैया हो जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को 7 साल के लिए दिया जाएगा और ये 250 लोकेशन वो हैं जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुटफॉल होता है, मेट्रो हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गए, बस वो हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, बाज़ार हो गए, वहाँ वहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। और बिड पैरामीटर होगा कि जो कंपनी कम से कम चार्ज करने को कहेगी कि हम जनता से इतने रुपए टिकट लेंगे प्रति
मिनट या प्रति किलोमीटर उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सो ये दो बड़ी अच्छी खबरें हैं दिल्ली के लोगों के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो। सर ट्रैफिक को किस तरीके से अब सारा मैकेनिज्म मैं देख